नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर रिव्यूज़ एंड रेसिपीज़ बाय रामेश्वरी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में आप देखने वाले हैं फिलिप्स एयर फ्रायर रेसिपी नंबर 16, एयर फ्राई किंग फिश स्लाइस। तो ये जो किंग फिश का स्लाइस है उसे अच्छे से धोना है और पूरा पानी स्ट्रेन करके निकालना है। अब इसका मैरिनेशन तैयार करेंगे। हाफ टी स्पून नमक लेंगे, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर और कश्मीरी चिली पाउडर, और इसको हमें मिक्स करना है कोकम जूस के साथ और इसकी एक पेस्ट बनानी है। अगर आपके पास कोकम जूस नहीं है तो आप लाइम जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से कोकम जूस मिक्स करके मैं ये पेस्ट को तैयार कर रही हूँ। ये कोकम जूस जो है वो इसे एक खट्टापन देगा। ये पेस्ट तैयार होने के बाद इस स्लाइस पर हमें ये दोनों तरफ से अच्छे से लगानी है और उसके बाद इसे मैरिनेट होने के लिए रखना है कम से कम 15 मिनट के लिए। ये किंगफिश स्लाइस 15 मिनट तक मैरिनेट होने के बाद अब हमें इसे सूजी से कवर करना है, या मराठी में हम जिसे बारीक रवा बोलते हैं उससे कवर करना है। अगर आपको रवा पसंद नहीं है तो आप ये ऐसे ही प्लेन तेल लगाकर भी फ्राई कर सकते हैं, और अगर आपको सूजी पसंद नहीं है तो आप इसे चावल के आटे से भी कवर कर सकते हैं। अब वक्त है फिलिप्स एयर फ्रायर HD9238 इसके एयर फ्राइंग बास्केट को प्रीहीट करने का। तो अब हम इसे प्रीहीट करने वाले हैं 185 डिग्रीज पर 5 मिनट के लिए। और अब ये जो रवा लगाया हुआ स्लाइस है इसे हम तेल से कवर कर रहे हैं दोनों तरफ से। जैसे कि मैंने कहा था, अगर आपको सूजी या रवा इसे लगाना पसंद नहीं है तो आप प्लेन ही इस स्लाइस पे तेल लगाकर इस तरह से एयर फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए, ये किंग फिश स्लाइस अभी एयर फ्राई होने के लिए रेडी है। अब फिलिप्स एयर फ्रायर का प्री हीटेड बास्केट जो है वो हमें स्लाइड आउट करके बाहर निकालना है और हमारा ये जो किंग फिश का स्लाइस है हम इस बास्केट में डाल देंगे, और फिर ऊपर से हमें लीड लगाना है और इस एयर फ्राइंग बास्केट को एयर फ्रायर में डाल देना है। एयर फ्राइंग करने का एक फ़ायदा ये भी है, जब भी हम फिश फ्राई करते हैं तो पूरे किचन में इसकी स्मेल जो है वो फैल जाती है और तेल के वगैरह छींटे जो है वो किचन टॉप पर फैल जाते हैं। तो जब हम एयर फ्राई करते हैं तो ये तकलीफ़ नहीं होती है, साफ़ सुथरा एयर फ्राइंग हो जाता है। तो इस किंग फिश स्लाइस को अब हमें एयर फ्राई करना है 185 डिग्रीज पर 10 मिनट के लिए। ये देखिए, 10 मिनट के बाद किंग फिश जो है वो एक साइड से फ्राई हो गया है। अब इसे फ्लिप करेंगे और हमें फिर से इसे 5 मिनट के लिए एयर फ्राई करना है ताकि ये दूसरी तरफ से भी फ्राई हो जाए। ये फ्राई होने के बाद बहुत सी सॉफ्ट हो गया है, इसकी वजह से फ़्लिप करते वक्त ये टूट गया है मेरे से। तो मैंने अभी ये फ़्लिप किया है, फिर से कवर किया है और अब मैं इसे एयर फ्राई कर रही हूँ फिर से 185 डिग्रीज पर 5 मिनट के लिए। ये देखिए, एयर फ्राइंग ख़त्म हो गया है और अब हमारा ये किंग फिश स्लाइस जो है वो सर्व करने के लिए तैयार है। उम्मीद है ये एयर फ्रायर रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर एयर फ्रायर रेसिपी या फिर एयर फ्राइंग से संबंधित आपके कुछ सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और इसी तरह के एयर फ्राइंग रेसिपीज़ और प्रोडक्ट रिव्यूज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल रिव्यूज़ एंड रेसिपीज़ बाय रामेश्वरी।
और एयर फ्राइंग रेसिपीज़ के लिए एयर फ्राइंग रेसिपीज़ की प्लेलिस्ट ज़रूर देखें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।